नमस्कार, अब खबर हरियाणा से। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ संचालकों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता प्रदान करने की मांग को लेकर हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ संचालकों ने जिला प्रधान घनश्याम शर्मा के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन किया। वह सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन जुलूस की शक्ल में हांसी गेट से पुराना बस स्टैंड होते हुए लघु सचिवालय पहुँचा, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात था। हरियाणा प्राइवेट संघ के रोष को दिखाते हुए उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने नायब तहसीलदार नरेश कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इससे पहले उन्होंने नेहरू पार्क में एक रोष सभा का आयोजन किया था। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के जिला प्रधान घनश्याम शर्मा ने कहा है कि उन्होंने कहा कि आज प्राइवेट स्कूलों बड़ी ही दयनीय स्थिति में गुजर रहे हैं। सरकार द्वारा उन पर मनमाने तरीके से शर्तें थोपी जा रही हैं, जिसको वे पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पर लगाई गई शर्तों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में कहा है कि आरटीई 2011 के तहत एपेडिस एक अनुसार सभी स्कूलों को 8वीं तक सभी मान्यता देने, शिक्षा नियमावली की सरलीकरण करने, अभी सभी अमान्यता एग्जिस्टिंग परमिशन व स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को स्थायी मान्यता देने, पेंडिंग स्कूलों की एडजस्टिंग सूची जारी करने, नियम 143A के तहत दाखिला होने वाले गरीब बच्चों बैंक खाते में सीधे पैसे डाले जाने ताकि वह अपनी फीस पर मनपसंद स्कूल में दाखिला ले सकें, स्कूल बसों पर लगाए गए टैक्स को माफ़ करने, बस पासिंग के नियमों को सरल बनाने, स्थायी मान्यता के प्राप्त स्कूलों पर लगाए गए 2000 प्रति वर्ष की निरंतर फीस खत्म करने और अस्थायी संबद्धता को घटाकर कम करने, तीसरी मंजिल के भूमि पर 30% छूट को नोटिफिकेशन जारी करने, विद्यालय की मान्यता हेतु प्रतिभूमि राशि को खत्म करने की मांग करते हैं। प्रदेश उप प्रधान सतीश तंवर ने कहा है कि आज सरकार की गलत नीतियों के कारण हरियाणा भर में 1600 स्कूल बंद होने की कगार पर खड़े हैं। एक तरफ तो सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में लगे अध्यापकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यह सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है और पूंजीपतियों को फायदा दे रही है। हरियाणा से चैनल डी लाइव के लिए साहिल कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।